दुनिया के 10 सबसे खतरनाक क्रिकेटर जो अपने जमाने के बादशाह थे, इनके सामने विराट कोहली कुछ भी नहीं। नंबर 8, कुमार संगकारा। दोस्तों, कुमार संगकारा का डेब्यू 5 जुलाई 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। करियर की शुरुआत में ही संगकारा एक डेडिकेटेड प्लेयर थे। डेब्यू के बाद संगकारा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके नाम आज भी कई सारे ऐसे रिकॉर्ड शामिल हैं जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 9000, 11000 और 12000 रन बनाने वाले बल्लेबाज संगकारा ही हैं। अफ्रीका के खिलाफ ये और महिला जयवर्धने ने 634 रनों की साझेदारी की थी, जो कि अभी भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, और ये टेस्ट वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इनके विकेट कीपिंग स्किल को देखते हुए उन्हें परमानेंट विकेट कीपर बना दिया गया था। कुमार संगकारा के नाम सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड है। संगकारा ने कुल 11 दोहरे शतक टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं और 2011 के वर्ल्ड कप में अपने देश को लीड किया था। नंबर 7, ब्रैंडन मैकुलम। 27 सितंबर 1981 को जन्मे ब्रैंडन मैकुलम ने अपने न्यूजीलैंड टीम के लिए 101 टेस्ट, 260 वनडे और 71 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सी यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन उन्होंने एक पारी जो भारत के खिलाफ खेली वो बेहद खास है। 2014 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, तो उस समय भारत के खिलाफ मैकुलम ने 302 रनों की शानदार पारी खेली। सीरीज के पहले मैच में दोहरा शतक बनाने वाले मैकुलम ने दूसरे मैच में 13 शतक ठोक दिया और इस तरह से वो अपनी टीम के लिए पहला 13 शतक मारने वाले खिलाड़ी बने। 2002 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले मैकुलम ने 2016 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, लेकिन उससे पहले इस खिलाड़ी ने 101 टेस्ट में 6453 रन बनाए। वहीं 260 वनडे मैच में उन्होंने 6083 रन बनाए। टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो उन्होंने 71 मैचों में 2140 रन बनाए। संन्यास लेने के समय मैकुलम टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। नंबर 6, वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, इस खिलाड़ी को मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग की पहचान सबसे अग्रेसिव और विस्फोटक बल्लेबाजों में की जाती है। इस खिलाड़ी का मैदान पर अपना अलग ही जलवा था। आपको बता दें कि फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी करने का रिकॉर्ड भी इनके पास ही है। उन्होंने 2004 में ये रिकॉर्ड पाकिस्तान की धरती पर इसी देश के खिलाफ बनाया। इन्होंने तब का रिकॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण के 281 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ते हुए कुल 309 रन बनाए। वीरों के करियर पर नजर डालें तो इन्होंने 92 टेस्ट मैचों में 7890 रन और 240 ओडीआई मैचों में 8025 रन बनाए। ओडीआई का सर्वाधिक स्कोर इनका 219 का रहा। सहवाग के नाम 100 से कम गेंदों में सबसे अधिक 7 बार टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान 23 शतक जड़े हैं। वहीं ओडीआई में उनके नाम 15 शतक शामिल हैं। नंबर 5, शोएब अख्तर। क्रिकेट के खेल में जब भी तेज गेंदबाजों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम शोएब अख्तर का ही आता है। शोएब अख्तर का गेंदबाजी के रूप में बड़ा रुतबा था। बड़े से बड़ा बल्लेबाज अख्तर के सामने आने से कतराता था। इन्होंने अपने करियर के दौरान अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ कई बार विवादों की वजह से भी चर्चाओं में अपनी जगह बनाई है और 1997 में टेस्ट और 1998 में वनडे डेब्यू किया। इसके अलावा क्रिकेट में उन्हें 13 साल का अनुभव रहा। इन्होंने अपने करियर में 163 वनडे मैच खेले और इस दौरान 247 विकेट झटके। अख्तर ने 46 टेस्ट मैचों में 178 विकेट लिए और वो 15 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें 19 विकेट झटके। अख्तर का इंटरनेशनल करियर बड़ा शानदार रहा। पाकिस्तान की जीत में कई बार अहम भूमिका निभा चुके हैं। नंबर 4, जैक कैलिस। साउथ अफ्रीका का ये खिलाड़ी महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, हर तरफ ये खिलाड़ी बेस्ट था। ये खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से जादू करके दिखा देता था। ऐसे खिलाड़ी बहुत कम मिलते हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर सकें, लेकिन इस काम में ये बहुत माहिर थे। अगर इनके करियर को देखें तो इन्होंने अपने करियर में 13,289 टेस्ट रन बनाए। वनडे में उनके बल्ले से 11,571 रन निकले। इसके बाद उन्होंने टेस्ट में 292 और वनडे में 273 विकेट चटकाए। इसके अलावा इनके बल्ले से 45 टेस्ट और 17 वनडे शतक निकले।
लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास करियर को जोड़ दें तो कैलिस ने 85 शतक ठोके हैं। इन्होंने करियर में कुल 892 विकेट झटके हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर जैक कैलिस को टीम से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत छोटे कद के थे। नंबर 3, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के बैट्समैन के साथ साथ सक्सेसफुल विकेट कीपर में भी शुमार है। ये क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। केवल 25 साल की उम्र में 1996 में वनडे क्रिकेट से अपना डेब्यू किया। और एक विकेट कीपर बल्लेबाज क्या होता है ये एडम गिलक्रिस्ट के करियर को देख के जाना जा सकता है। इस विकेट कीपर बल्लेबाज का इंटरनेशनल करियर बड़ा शानदार रहा। अपने टेस्ट करियर में इन्होंने 96 मैचों में 46.60 की औसत से 5,570 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 17 शतक भी लगाए। बाएं हाथ के गिलक्रिस्ट ने अपने वनडे करियर में 9,619 में 272 रन बनाए और गिलक्रिस्ट की आक्रामक बल्लेबाजी उनकी खासियत थी। उन्होंने 2007 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 104 गेंदों में आतिशी पारी खेलते हुए 149 रन ठोंक डाले थे। ये विश्व कप फाइनल के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा स्कोर है। विकेट के पीछे भी ये खिलाड़ी बड़ी मुस्तैदी से खड़ा रहता था। इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेट कीपर हैं। इन्होंने 396 मैचों में 905 शिकार किए हैं और इस बीच उन्होंने 813 कैच लपके हैं और 92 स्टंपिंग की है। इनसे ज्यादा सिर्फ मार्क बाउचर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शिकार किए हैं। नंबर 2, डेल स्टेन। दिग्गजों की लिस्ट में डेल स्टेन को भला कौन भूल सकता है भाई। इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज पस्त हो जाते हैं। और इनके करियर की बात करें तो इन्होंने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। वहीं साल 2005 में इंटरनेशनल वनडे मैच में डेब्यू किया। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में इनकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई। डेल स्टेन अपने पूरे करियर में 93 टेस्ट मैचों में इन्होंने कुल 439 विकेट चटकाए और पूरे इंटरनेशनल करियर में 125 वनडे मैच खेले और जिसमें 196 विकेट लिए। वहीं सिर्फ T20 मैच की बात की जाए तो 47 मैचों में उन्होंने 64 विकेट लिए। इनके नाम एक और रिकॉर्ड ये भी है कि 5 टेस्ट मैच ऐसे रहे हैं जिसमें इन्होंने 10 से ज्यादा विकेट लिए हैं। साल 2007 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेल स्टेन ने शानदार गेंदबाजी की। सेंचुरियन में खेले गए इस मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए थे। स्टेन ने अपनी पारी में 4 और दूसरी इनिंग में 6 विकेट अपने नाम किए। आक्रामक गेंदबाजी के लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया और वहीं अफ्रीका ने इस मुकाबले को पारी और 59 रन से जीता था। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। लेजेंड क्रिकेटर्स की बात हो और सचिन तेंदुलकर का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी इसीलिए कहा जाता है। 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल की उम्र में टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले सचिन ने 11 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की थी और आपको बता दें कि 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारत के लिए 6 विश्व कप में ये उनकी पहली जीत थी। तेंदुलकर को उनकी उत्कृष्ट खेल की उपलब्धियों के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 1997 में खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान और 1999 और 2008 में पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 2013 में उनके आखिरी मैच में कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने का घोषणा किया गया। अगर तेंदुलकर के करियर की बात करें तो वो मुंबई के इस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में गजब की बल्लेबाजी की है जिसमें ओडीआई मैचेस में 49 और टेस्ट में 51 शतक शामिल हैं। इनके पास सबसे ज्यादा टेस्ट रन, सबसे ज्यादा वनडे रन, सबसे ज्यादा खेले गए टेस्ट, सबसे ज्यादा खेले गए वनडे हैं। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं जो इनके आसपास भी कोई नहीं है। वनडे की बात की जाए तो उन्होंने 18,426 रन बनाए हैं तो वहीं टेस्ट में 15,921 रन हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है ये भी बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।